સાડા આઠ કલાકે સંકલ્પ લેવાશે જયારે બપોરે અગિયાર વાગે યજ્ઞ માં શ્રીફળ હોય વિષ્ણુ યજ્ઞ કાલ सात बज के पैंतालीस मिनट पर ये यज्ञ प्रारंभ होगा और ग्यारह बज के पैंतालीस मिनट पर ये विश्राम करेगा और बारह बजे जो है पूर्ण इत्यादि के बाद में सभी भक्तों के लिए प्रसाद रहेगा हजारों भक्तों की संख्या होगी और देश विदेश के भक्तों के द्वारा यहाँ पर कीर्तन का आयोजन भी किया जाएगा और सभी के लिए प्रसाद इत्यादि की व्यवस्था रहेगी किस मुख्य हेतु से विश विशेषतः विश्व शांति कल्याण के लिए यज्ञ संपन्न किया जाता है ताकि सभी के जीवन में जो नववर्ष आ रहा है वो बड़ा ही शांतिपूर्ण ढंग से मंगलमय सबका जीवन हो इस शुभकामना के साथ में हम भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है यज्ञ वही विष्णु हो यज्ञ साक्षात विष्णु है यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन की दिनचर्या भगवान के यज्ञ से प्रारंभ करता है तो उसका पूरा जीवन शांतिमय होगा तो यही इसका उद्देश्य है